दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पर रिलेशनशिप स्टेटस का पेंडिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों चले मैं अपने प्रोफाइल में जाता हूं और आपको दिखा देता हूं पेंडिंग प्रॉब्लम कैसे आता है। यहां से आगे अपने प्रोफाइल पर और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों इन ए रिलेशनशिप विथ एंजल अंजलि लिखा हुआ है, पेंडिंग प्रॉब्लम बता रहा है। दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ और इसे सॉल्व भी करके दिखाऊंगा कि इसमें ये पोस्ट भी हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा तो वही आपको समझ में आएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोजराम वर्मा, आप देख रहे हैं ऑफिकल वर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फेसबुक पर आ जाना है, देखिए, और यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से दोस्तों सबसे ऊपर अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे और सबसे पहले आपको यू हैव लॉकेड योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को दोस्तों लॉक से अनलॉक कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से अनलॉक पर क्लिक करेंगे, देखिए, उसके बाद में यहाँ से अनलॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। एक बार ओके पर क्लिक कर देना है दोस्तों, यहाँ से भी आपका प्रोफाइल अनलॉक हो गया, आप देख सकते हैं। नीचे आ जाना है और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए रिलेशनशिप विद एंजल अंजलि, लेकिन पेंडिंग बता रहा है, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो मैंने पुराना पोस्ट किया था वही पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर। चलिए इस पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे और ये पोस्ट भी हो जाएगा, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है दोस्तों, इन रिलेशनशिप जो लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएंगे। यहाँ से हमें नीचे चले जाना है जहाँ पर हमारा रिलेशनशिप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारा आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आया है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ईयर पर क्लिक करना है, आपको ईयर चूज़ कर लेना है, जैसे कि 2023 तो आपको ओके कर देना है, या फिर आपको पीछे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2022-21 जब भी आपका रिलेशनशिप हुआ है तब आप चूज़ कर सकते हैं उसको, और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मंथ दोस्तों मंथ देख लेना है, देखिए फिर से वहीं पर कोने में क्लिक करेंगे और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ओके कर देना है, फिर से आपको डे सिलेक्ट करना है जो भी तारीख को आपको हुआ है, देखिए जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है, अब ये हो गया है कम्प्लीट दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा पब्लिक रहना चाहिए, देखिए पब्लिक फ्रेंड भी रख सकते हैं आप, ओनली मी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने पब्लिक रखा हूँ। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है, सेव पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आ गया है यहाँ पर, सिर्फ आपको शेयर पर क्लिक कर देना है एक बार। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है, एक बार बैक आने के बाद दोस्तों अपनी आईडी को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इन रिलेशनशिप लिख के आ गया है और ये आप देख सकते हैं पोस्ट भी हो गया है। अब यहाँ से तो पोस्ट हो गया दोस्तों, मगर आप इनके इसमें जाके देख लीजिएगा या फिर थोड़ा देर रुक जाइएगा क्योंकि ये टाइम भी लग जाता है कभी कभी। अभी देखिए अभी इनके इसमें आया नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका रिलेशनशिप जिससे भी हुआ है उससे आपको कहना पड़ेगा कि टाइमलाइन में चले गया होगा, तो जैसे ही अपने नोटिफिकेशन में जाएंगे तो उनको एक ऑप्शन दिखेगा उस टाइमलाइन वाला जो कि आप पोस्ट किए रहेंगे वही वाला, तो उससे आप ओके करने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद में उनके इसमें भी ये पोस्ट चले जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे पेंडिंग प्रॉब्लम कैसे हटाते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।